मैं तमाम दोस्तों भाइयों बुजुर्गों का मशहूर हूँ आप आए और यहाँ पे आप देखें हमारे इलाके के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब मौजूद हैं, हसन मुर्तजा साहब आए और शहजाद चीमा साहब। स्पेशली आज जो इलेक्शन यहाँ पे जिमनी इंतखाब हो रहा है, असलम गिल साहब हमारे कैंडिडेट है NA-133 के। मैं कोई महंगाई के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे जोन की मीटिंग थी और यहाँ पे सारी मीटिंग का इनकार जोनल सदर ने और इकबाल यूसुफ साहब जो हमारे यूसी के सदर हैं इनकी पूरी फैमिली ने, यहाँ पे वजीर शहजाद साहब ने और तमाम यूसीओ के जो सदूर हैं वो आके बैठे हुए हैं। लेकिन ये हमने बेसिकली मीटिंग करनी थी, एक तंजीमी मीटिंग जिसके अंदर हमने देखना था कि हमने आगे प्लान कैसे करना है, हमने पोलिंग एजेंट कैसे निकालने हैं, एक यूसी के अंदर कितने पोलिंग स्टेशन हैं और कितने पोलिंग बूथ हैं और वहां पे कौन एक्टिव लोग हैं, कौन पार्टी छोड़ गए हैं, किन लोगों को जरूरत है कि हम उनको दोबारा से कलमा पढ़ाएं और वापस लेके आएं। तो लिहाजा अब चूंकि राशि इतना है, वक्त की कमी है, हम इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीस्केड्यूल करेंगे। मैं इन शॉर्ट ये बात करना चाहूंगा कि जो लोग यहाँ पे तंजीमी अहदेदार आके बैठे हुए हैं, मेरी उनसे मुद्दबाना गुजारिश है कि आज रात आप अपने घरों में जाएं, अपने इलाकों के अंदर अपने तमाम साथियों के साथ बैठ के मुशावरत करें कि कौन सदर, कौन सेक्रेटरी अवेलेबल है, कौन यूसी के बाकी अहदेदार अवेलेबल हैं और कौन नहीं अवेलेबल, उनके मुतबादल ढूंढ छुड़े ताकि हम कल परसों या जब भी बैठते हैं, बल्कि परसों भी नहीं कल ही, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, कल हम बैठें और इसके ऊपर बात करें और मजीद चीजों को आगे लेके चलें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम और मुकाबला सख्त है। जिंदाबाद। और बस मैं यही ज्यादा दूसरा एक दफा फिर मैं तमाम यहाँ पे आए हुए लोकल अहदेदारों का सबका मशकूर हूँ, यूसी सदर का भी और जोनल सदर का भी, राजा साहब का, पंजाब के दीगर अहदेदारों का, मीर साहब है, आरफ जफर साहब है, बाकी लोग हैं सबका। यहाँ पे आरफ हैदरी साहब बैठे हुए थे, वो भी बड़ी मुश्किल चल के आए हैं, पार्टी के पुराने उनका भी शुक्रिया।